हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीतम एक्सपीडियस। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मशरूम की एक अनोखी रेसिपी, ड्राई मशरूम की पी के साथ। ये देखिए, पी, कैप्सिकम, पोटैटो दिखाया नहीं, पोटैटो भी है। इन सभी के साथ मैं आज एक रेसिपी बनाऊंगी, तो आप सभी भी बने रहिए। ये देखिए, जो लोग न्यू है इस रेसिपी बनाने में, तो उन लोगों के लिए शायद अच्छी होगी ये वीडियो। देखिए, पहले मैं ये सब को काट लूँगी और यहाँ इसको भी मैंने खोल लिया। ये देखिए मशरूम, इसको मैंने दो तीन बार अच्छे से ठंडे पानी से साफ करूँगी। उसके बाद कुछ टाइम इसको भिगो कर रखना है तो रखिए, नहीं तो डायरेक्ट आप बॉईल भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने बॉईल किया। ये देखिए, साथ में पी और पोटैटो के साथ मैंने मशरूम को भी इस तरह पका लिया, बॉईल कर लिया। अभी देखिए, कैप्सिकम काट लिया है, अदरक और लहसुन भी मैंने पेस्ट बना लिया। ये देखिए, प्याज ऑलरेडी मैंने गैस पर ऑयल पर डाल दिया। बहुत ही टेस्टी होती है, इसको खाने के बाद आप मीट खाना बंद कर देगी, बहुत ही टेस्टी हुई। ये देखिए, प्याज फ्राई हो गई, तब मैंने इसको दे दिया। पहले आप सभी उबाल कर रखिए, नहीं तो ड्राई मशरूम को भी पकते नहीं है। गैस की फ्लेम लो करके मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए, मीट की ऑयल जैसे लग रही है। अच्छी तरह मिक्स करके इस पर हल्दी, नमक सब कुछ दे दूंगी मैं। बहुत ही हेल्थी रेसिपी है ये। अभी मैं कैप्सिकम भी दिया। आपके पास टोमेटो है तो आप टोमेटो भी दे सकते हैं। हल्दी और नमक देने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर भी दे दूंगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। वो उबलने के बाद मशरूम कैसे दिख रही है आप सभी देख रही है ना। अभी ढक्कन देकर पकाऊंगी कुछ टाइम, फिर से इसको मिक्स करूंगी। बहुत ही टेस्टी हुई ये रेसिपी। ये देखिए, मैंने इसमें जो सब्जी की मसाला है ना, वो दे दिया, सब्जी मसाला। और ये रेड चिली है थोड़ी से दिया ताकि कलर आ जाए। अभी थोड़ी देर फिर से ढक्कन देकर पकाई और
मिक्स करके देखिए, थोड़ी सी पानी भी ऐड किया। कुछ समय इस तरह ढक्कन देकर फिर से पकाऊंगी। ये देखिए हो रही है। इसे ही रखूंगी मैं ताकि राइस या रोटी के साथ खा सकती है आप। ये देखिए गरम मसाला मैंने ऐड किया अभी थोड़ी सी, बिल्कुल मिर्च जैसी लगती है ये रेसिपी खाने में। तो अभी हो गई है, गैस भी ऑफ कर दिया। ये देखिए देखने में अच्छे नहीं लग रही है, फिर भी खाने में बहुत टेस्टी हुई। ये देखिए हो गई। आप सभी को कैसे लगी ये रेसिपी? अच्छे लगी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।